बिहार में नए पार्टी का आगाज हो रहा है और जहां आरजेडी वर्सेस जहां एनडीए की लड़ाई थी, यानी कि कहे तो इंडिया अलायंस और एनडीए की लड़ाई थी, लेकिन इस बीच एक नई पार्टी बीच में आपन उभर जाती है और वही प्रशांत किशोर, जी हां प्रशांत किशोर बीच में आते हैं और 40 सीट जो बातें कर रहे हैं विधानसभा में देने की, वह महिलाओं को 40 सीट, तो वही 40 सीट मुसलमानों को, बाकी के बचे 163 सीट के लिए प्रशांत किशोर के दिमाग में आखिर क्या कुछ चल रहे हैं। पार्टी के गठन होने से पहले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं, रोजाना वे नए नए ऐलान कर रहे हैं तो पार्टी की रणनीति का खुलासा कर रहे हैं, लोगों के मन मस्तिष्क में छा जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और मुख्य विपक्षी दल राजद कार्यकर्ताओं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल रहे हैं। अपनी इस रणनीति के तहत प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव में वे हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। अगले कर्मी प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को बड़ा ही तोहफा दिया, जिया मुस्लिम को जहां एक तरफ सीटें नहीं दी जा रही थी, कई ऐसी पार्टियां जो थी, लेकिन इस बार मुसलमानों के लिए प्रशांत किशोर जिस तरीके से 40 सीट जो है वो मुसलमान प्रत्याशी को देंगे, आखिर बड़ा ही बदलाव हो रहा है। जी हां, जिस तरीके से इस बीच अगर बात करें राजनीति की, बिहार की राजनीति की अगर चर्चा करते हैं तो नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद सियासत और भी गर्म हो जाती है और तमाम जो गठबंधन के लोग हैं वो, उनका कहना है कि नीतीश कुमार के जो मन में रहता है वो करते ही, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने जहां 40 महिला उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति का खुलासा कर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर वोटर का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, वहीं 40 मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान भी कर वे राजद के मुख्य आधार वोट बैंक पर भी निशाना साधते हुए अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपनी कोशिश में वो कितना सफल हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने 80 सीटों को लेकर तो गणित जाहिर कर दिया, लेकिन बाकी के बचे 163 सीट के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या बाकी सीटों को लेकर भी उनके पास कोई रणनीति बची हुई है? क्या कुछ सीटें दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के लिए भी फिक्स की जाएगी या फिर सवर्णों को लेकर भी उनके दिमाग में कोई स्ट्रेटजी है? कई बड़े सवाल मन में आ रहे हैं, इन सवालों के उत्तर अभी प्रशांत किशोर के पास ही हो सकता है। जनसंख्या के लिहाज से देखें तो बिहार में महिलाएं सबसे बड़ी वोट बैंक है, उसके बाद मुसलमान और फिर यादव का नंबर आता है, बाकी जो वोट बैंक है वो खुदरा में है, यानी कि सिंगल डिजिट परसेंटेज वाले हैं। हो सकता है प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं तो ब्राह्मणों को लिए नया ऐलान कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है जहां मुसलमानों को इतनी बड़ी संख्या में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वो बड़ी संख्या में मुसलमानों को उतारने वाले हैं, लेकिन देखना होगा क्या इसका फल आता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और आज 20 बरस भाजपा के विरोध में आपके वोट देने के बाद भी इस राज्य में भाजपा का गठबंधन 30 सांसद है और देश में 240, तो भैया आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं, तो आप क्यों उसी मतलब पर चले जा रहे? इसलिए मशवरे की जरूरत है कि बैठिए, मशवरा कीजिए कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। आपको क्या बताया गया? रास्ता न दिखे तो सारी बेवकूफों से जाकर मशवरा करो। एक तारीख को जो बिहार में लोग आए हैं, बिहार से लोग जो माइनॉरिटीज के आए थे, उन तमाम लोगों का धन्यवाद देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी।
भाई शुक्रिया अदा करना था उन तमाम लोगों ने इतनी तकलीफ उठा करके, पूरे बिहार के हर ज़िले से लोग आए थे और आ करके अपना समर्थन दिया, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और हम लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये तो प्रशांत किशोर हर जगह हर मीटिंग में बोल ही रहे हैं, हम लोग सिर्फ हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, किसी तरह भी उनकी बात पूरी तरह लोगों के समझ में आ जाए, इसके लिए जो कार्यकर्ता का काम होता है वो हम लोग कर रहे हैं। उस दिन बोल रहे थे कम से कम बिहार में जितने सीट है और जितनी संख्या उसमें सम्मानों का कम 43 सीट होना चाहिए था, बताया नहीं भाई 243 सीट पे वो लड़ा रहे हैं, ठीक है ना, आबादी के हिसाब से सबको वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, यही वो वजह थी उस मीटिंग के कामयाब होने की और यही वजह रहेगी बिहार में इनके कामयाब होने की। वही हम तो ये बात समय से पहले हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग हर जगह कर रहे हैं कोशिश, ठीक है ना, सामने वाले का दांत खट्टा कर दिया जाएगा, यही जो तो यहाँ से चले गए हैं बच्चे वो 2025 में छठ में जो आएंगे वो वापस दोबारा नहीं जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे, क्या बिहार में तो रोजगार है ही नहीं, तो रोजगार कहाँ से? देखिए उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, अब प्रशांत किशोर आ गए, अगर उन्होंने कोई बात की तो आप ये मत समझ लीजिए कोई जादू की छड़ी है, वो बहुत प्लान वे में सिस्टमेटिक एक काम किया जाएगा जिससे यहाँ के लोग जो अब गुजरात जाके नौकरी कर रहे हैं उससे बचें, ये बात सिर्फ यही कहना चाहेंगे, यहाँ रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा किए जाएं, यहाँ इंडस्ट्री लगे, यहाँ रोज़गार हो, एग्रीकल्चर को भी अच्छे ढंग से काम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ निकाली जाए, इसी के लिए वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, इसी के अनुसार वो वादा कर रहे हैं कि साहब हम किसी भी हालत में यहाँ के बच्चों को यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। उनका एक और वादा है कि जो बच्चे जैसे गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा कुछ पैसा मिलता है उन्हें स्कूल में जाने को प्राइवेट स्कूल में भी दिया जाए। देखिए फंड रहने पे जो जो चीज़ प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो कमेटी में डालेंगे और हर वो बात जो कह रहे हैं उसको शत प्रतिशत वहाँ पे पूरा किया जाएगा। आपको लगता है सर इसमें मुसलमान का वर्तमान बहुत बिगड़ा हुआ है, वो सही है जी, जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ वो भविष्य के लिए स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल करने वालों में सबसे अग्रणी अशफाक रहमान है, समझ गए, हम यहाँ आए हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एड़ी चोटी एक कर देंगे लाने के लिए, समझ में आए हैं, लोगों को ज्यादा उम्मीदें पड़ी हैं आपके आने से जी, ऐसे में आप अपने ऊपर लेकर के पूरे कौम की बात करें क्या लगता है? इंशाल्लाह अभी तक तो मेरी जात से किसी कौम को तकलीफ नहीं हुई, ना बिहार के किसी इदारे को, ना किसी इंस्टीट्यूशन को, ना माइनॉरिटीज को और ना मेजोरिटी को, तो आप हमसे भी आप यही उम्मीद रखिए आने वाले कल को कि हमको हमसे लोगों को अच्छी ही उम्मीद रखनी चाहिए और हम अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखते हैं। देखिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था कि हम लोग पूरे बिहार से आए हुए मेरी उन बहनों को जो पर्दा नशी बहनें अपने घरों से निकल के आईं, नौजवान तबका मुसलमानों का 1 तारीख के सभा में हम लोगों के साथ कांधा लगाने में अपनी मेहनत और अपनी जोश के साथ खड़ा हुआ और सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों का शुक्रिया जिन्होंने माइनॉरिटी की सभा को सफल बनाया और इतने बड़े पैगाम को जो बिहार के 3800 ज़िला तक पहुंचाने में हमें मदद की, हमारे सूत्रधार नेता प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को कहा कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है हम लोगों की कि हम लोग हर तबके के लोगों को बड़ी मेहनत से जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हम लोग आपके सभी आए हुए जनता को वहाँ आए हुए दोस्तों को अपने शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो हज़ार 2025 में हमारी लड़ाई NDA के साथ है, 243 सीट पर हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, 2 तारीख को जो पार्टी रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है वो 1 करोड़ प्लस लोगों के संस्थापक सदस्य के रूप में ये पहली बार
पूरे देश में ऐसा होगा कि 1 करोड़ प्लस संस्थापक सदस्य पार्टी के निर्माण के दिन शामिल हो चुके हैं और हम लोग 25 में बिना किसी समर्थन के इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे।